hello all aspirants of competitive examinations welcome to kick karviz institute for competitive knowledge just for your goal we know you are always being in a full law spirit to crack examinations we want to contribute इन your ग्रैंड सक्सेस बाय enriching some सम नॉलेज इन way वे चलिए इसी यकीन के साथ आपका लक्ष्य पाने के लिए आप यह तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे ये हम यकीन करते हैं और यही यकीन के साथ आज हम एक इम्पोर्टेंट फोकस करते हैं क्या है भाई ये है ना नाम तो कुछ दिख रहा है अम्ब्रेला यानी छाते के बारे में पढ़ाया जाएगा ये भी क्या चीज है पढ़ने की आप सोच रहे होंगे कि अम्ब्रेला क्या पढ़ना है इसमें क्या है है ना सो सी दीनेरियो अम्ब्रेला हैड अ मच मोर इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक रोल थ्रू आउट द human history since the start of civilizations. the umbrella, kya hai? so it had been a symbol of authority since the time of human civilization. Uh, the first references of this symbolic umbrella hana, had been found out in the ancient इजिप्त म्यूरल्स देखिए म्यूरल्स दिख रहे हमें ये म्यूरल्स में ये देखिए ये जो है ये छाता है सी दिस द अम्ब्रेला और ये दिस पर्सन माइट बी मोनार्क उस वक्त का राजा हो सकता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि अम्ब्रेला ये जो है मोरल इसमें देन आफ्टर वी कैन सी द अम्ब्रेला देखिए ऊपर में आपको देखने को मिलता है ये देखिए ये ये देखिए है you can see this umbrella in the Assyrians, है है ना ना में हमें दिखाई देता है। उसके बाद देखिए इवन इन इंडिया वी आर ऑफ अजंता एंड एनी अदर प्लेसेस ड्यूरिंग दशियंट इंडिया अम्ब्रेला वॉज बिंग यूज एज अल ऑफ ऑथोरिटी however in the context of india umbrella was not just a symbol of authority it was also having importance from the site of some uh, called as a religious beliefs or the some sort of the called as a uh, cultural symbol of a veneration in india तो अम्ब्रेला जो है ये हम एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन से देख रहे हैं तो कुछ uh, हमें ऑथोरिटी का सिंबल uh, दिखता है बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वी आर सेइंग नॉट ओनली अब्जेक्ट ऑफ ऑथोरिटी बट एज अल्सो बींग ऑब्जेक्ट ऑफ अ वेरेशन दैट हैव अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो इससे क्या देखने को मिलता है हमें तो देखिए इंडिया में वेनरेशन की देखने को मिलेगा तो आज का टॉपिक उसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अम्ब्रेला हम कहा जाना चाहते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वेनरेशन इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अम्ब्रेला का जो है जो रिलीजियस सिंबल है वो हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट स्तूपा और इसी वजह से आज का हमारा टॉपिक है एंशंट इंडिया में बुद्धिस्तूपा बुद्धिस्तूपा का जो है इट बिकेमिंग कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया है ना ये कल्चरल आइडेंटिटी हो गया है वी आर आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड है ना थ्रू दिस सिंबल मेनी ऑफ द कंट्रीज had been approaching towards the india in a modern world just because of this historical cultural heritage and therefore our buddhist stupa becoming a pivotal position in the global politico economic realms in the context of the india it is not only being at the international level but the बुद्धिस्टूपा एज अ कल्चरल सिंबॉल लार्जली इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी अल्सो और इसी वजह से हमें इसके बारे में जरूरत है सो so, क्या है ये स्तूपा एग्जैक्ट है क्या व्हाट इज द वर्ड मीनिंग क्या होता है कहा से आया है सो वी आर सर्चिंग तो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि देर आर देर है रेफरेंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड इन द वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड से ही हमें देखने को मिलता है उस वक्त जो डेड बॉडी रहती थी वो डेड बॉडी जो है सिटिंग पोजीशन में आसन के पोजीशन में बिठाई जाती थी आसन के पोजीशन में बिठाने के बाद उसके ऊपर माउंड जो है वो किया जाता था मिट्टी का टीला जो है वो तैयार किया जाता था एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एनरेशन या कुछ पत्थर वगैरह उस पर रखा जाता था और वो जो पोजीशन है डेड बॉडी की सिटिंग पोजीशन दैट वाज कॉल्ड एज अ चीता वो जो बॉडी है उसको कहते हैं चिता चिता से वर्ड आया चैत्या है ना ऋग्वेदा में काफी जगह ऋग्वेदा है थर्व है समहिता है हर जगह इसका रेफरेंस मिलता है वेदा में एक और नाम है कॉल्ड एज अस्टुका एस्टुका का मतलब भी सेम स्तूपा के कॉन्टेक्स्ट में होता है लेकिन इसका पाली में क्लियर कट वर्शन हमें ध्यान में आता है पाली वर्ड है थुपा थुपा का मतलब सिमिलर टू द होता है माउंट और सेमी सर्कल पाइलिंग ऐसे कुछ तो भी जो बेल शेप है हमें देखने को मिलता है देखो पिक्चर में देखने को मिल रहा है पीछे में दैट इज बिंग एज अ स्तूपा तो वर्ड के कॉन्टेक्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि स्तूपा का जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे एंशंट इंडिया में जो है स्तूपा के पहले से लेकिन उसका जो जिसका आर्ट आर्टिटेक्चरल के रूप में जो कन्वर्शन हुआ है वो कन्वर्शन बुद्धा के वक्त ही हो, होते हुए दिखता है अब ये बुद्धिस्ट कल्चर जो है इस है क्या वो भी हम देखते हैं स्तूपा के तो दो रेफरेंसेस पता चलते हैं हमें यदि हम देखेंगे तो दो रेफरेंसेस हमें पता चलते हैं एक जो है वो है महापरिनिर्वाण सुत्ता जो है उसमें और दूसरा जो है वो सुजाता का इसमें हमें ध्यान में आता है महापरिवना सुत्ता में बुद्धा के लास्ट डेज़ जो है उसके बारे में तो लिखा है साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्धा के डेथ के बाद बुद्धा के जो क्रिमेशन के बाद जो अवशेष थे बुद्धा के चीता के वो अवशेष जो है उसको आठ पार्ट में डिवाइड किया और आठ पार्ट में डिवाइड करके बुद्धा की थ्रू आउट लाइफ्स फ्रॉम द बर्थ टू दहानिर्वाणा ये जो जर्नी है ये जर्नी जो जो किंगडम्स में गुजारी थी बुद्धा ने वो सभी महाजन पदार्थ जो है वहाँ पे एक, -एक स्तूपा बनाई जाए ऐसा महापरिनिर्वाणा सुत्ता में यानी वी कैन फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ अ स्तूपा सुजाता के जातका में भी ऐसा बोला गया है कि स्तूपा रे इज एज अदर माउ टू तो कमरेट द डिसीज ऐसा बोला गया है यानी प्री अशोकन अर्दन माउंट्स भी थे ये भी हमें सुजाता के जातका में देखने को मिलता है तो इससे ये कन्फर्म होता है साथ में कि इसका ओरिजिन जो है एक तो एंशंट इंडिया में पहले से था प्री बुद्धा से था लेकिन उसका मॉडिफिकेशन, एक्चुअल जो आर्किटेक्चरल रूप है एक माउंट के रूप में एक आकार जो है वो आकार बुद्धिस्ट जो है रिलीजन के बाद हमें देखने को मिलता है बुद्धा जो है बुद्धा के बाद ही बुद्धा का स्तूप का काफ़ी आकार बढ़ गया था काफ़ी चेंजेस आ गए थे ड्रस्टिक चेंजेस आ गए थे और हमें वर्ल्ड रिनाउड जो है वर्ल्ड हेरिटेज लेवल के जो मॉन्यूमेंट है वो देखने को मिलते हैं तो बुद्धा के जाने के बाद जो है आ, स्टोरी के हिसाब से महापरिनिर्वाणा सत्ता के हिसाब से आठ जो है डिविजन्स किए गए थे तो आठ डिविजन्स में तीन टाइप की हमें स्तूपा देखने को मिलते हैं आठ प्लेसेस में एक देखिए उसको बोलते हैं रिलिक्स रिलिक्स ऑफ बुद्धा यानी बुद्धा के जो रिलिक है अवशेष है, उसके दूसरा जो प्रकार है वो है अन ऑफ बुद्धा बुद्धा का जो बाउल है अन जो भिक्षा पात्र है भिक्षा पात्र पर एक देखने को मिलता है स्तूपा और बुद्धा के क्रिमिशन के बाद जो ऊड एशेष बसे राख बचे थे और राख का भी हमें यहाँ पे एक स्तूपा बनने को देखने को मिलता है यानी तीन प्रकार जो है रिलिक्स ऑफ बुद्धा अर्न और ओड आशीष ऑफ ये तीन जो प्रकार है है ना ये ध्यान में आया ये तीन प्रकार जो है ये तीन प्रकार यहाँ पे बुद्धा के जो स्तूपा है बुद्धि स्तूपा वो देखने को मिलते हैं अब ये जो है ये किस टाइप के हैं तो चलो देखते हैं जो रिलिक्स थे यानी क्या हो गया था बुद्धा के डेथ के बाद रॉयल क्रिमेशन हुआ रॉयल क्रिमेशन जो है कुशीनारा में हुआ माल्ला जो थे माल्ला डिनेस्टी थी माला डिनेस्टी ने पूरा रॉयल जो है रिचुअल्स है उसके परफॉर्मेंस के साथ साथ क्रिमेशन किया और उसके बाद वहाँ पे जो ब्राह्मीण था द्रोणा उसने इनिशिएशन लिया और इनिशिएशन लेके इसका डिविजन शुरू हुआ सबसे पहले ब्राह्मीण जो है उसने जो है बुद्धा का जो अन्न है यानी भिक्षा पात्र है वो ले लिया और डिसाइड कर लिया कि वो अपने जो स्थान है वहां पे वो अपना एक स्तूपा बनाएगा वो स्थान का नाम था स वे और वेतो दिप इस टाइप का नाम था बाकी जो थे रेलिक जो थे वो अवशेष वो बंटवारा हो गया बंटवारा होते होते जो मौर्या किंग थे अज वो थोड़े लेट पहुंचे लेट पहुँचने के वजह से उनको जो है बाकी अवशेष मिले नहीं तो जो राख बची थी वो राख ही अजय शत्रु ने ली और अजय शत्रु ने राजगिर में जाके जो पिपल बना है वहाँ पे एक स्तूपा बना दिया और बाकी जो डिनेस्टीज थी उनके हर एक के राजा आए थे जैसे ये भी कहा जाता है कि लिच्चवी तो काफी दूर तक जब वैशाली से कुशीनारा के तरफ बुद्धा ने लास्ट जो है अपना मार्गस्तक शुरू किया था तब तो लिच्छविज तो छोड़ रहे हैं छोड़ नहीं रहते वो तो कंटिन्यूस बुद्धा के पीछे जाते जाते रहते कि भाई अभी बुद्धा की यदि उन्होंने जो डिक्लेयर किया कि मेरी डेथ होने वाली है तो अब कब होंगे और अब ये बुद्धा के अवशेष तो हमें मिलने चाहिए हम स्तूपा बनाएंगे इस कॉन्टेक्स में बुद्धा के साथ साथ वो जाते रहे तो वैशाली जो है वहाँ पे लिच्छविश जो है उन्होंने बनाया कपिल वस्तु जो है शाक्यास इन्होंने बनाया अलकप्पा यहाँ पे बुलिस इन्होंने बनाया रामग्रामा यहाँ पे कोलियस ने बनाया पावा और कुशीनारा यहाँ पे माल्लास ने बनाया तो हर एक डिनेस्टी ने अपना अपना जो है स्तूप बनाया तो इस टेप से अपने को देखने को मिलता है एक टोटल आठ प्रकार के जो है आठ जगह स्तूप तैयार हो गए अब ये जो है स्तूप का एक थोड़ा हिस्टोरिकल इवेल्यूशन देखते हैं किस टाइप का ये ग्रोथ होते गई तो पहले सबसे पहले तो हमें ऐसा दिखता है कि इट वाज जस्ट अ माउंट ऐसा एक टीला था देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं एक टीला था ऐसा जिसमें कुछ भी ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है एक डोम है डोम के अंदर रेलिक रखा है बस फिनिश इसके ऊपर कुछ नहीं था है ना लेकिन बाद में जो था उसका आर्किटेक्चरल मार्वल धीरे धीरे बनते गया है ना पहले तो स्क्वेयर बेस था स्क्वेयर बेस पर एक जो है माउंट तैयार किया जाता था सर्कुलर माउंट तैयार किया जाता था बाद में सेमी जो है बाद में सर्कुलर आया और जो डोम था उसमें सेमी स्पेरिकल या मून कर्वेचर उस टाइप का एक माउंट बनता था आ, साथ में उसके यहाँ पे ये यह जो है ये देखिए ये ये जो प्लेस है ये ये प्रदक्षिणा प्लेस है यहाँ से ये यह प्रदक्षिणा प्लेस है ऐसा ऐसा घूम के तो एक प्रदक्षिणा प्लेस भी बनाया जाता था है ना और ये पार्सल एट टॉप ये देखिए एक टॉप टॉप है ये ये देखिए एक पैरासोल छाता छाटाई टाइप का ताकि जो रेलिक्स है उसको संरक्षण रहे उस टाइप का बनाया जाता था तो इस टाइप से पहले जो था आर्किटेक्चर बनाया गया हाफ मून टाइप का डोम रहता था है ना और प्रदक्षिणा वगैरह जो है वो होती थी बाद में देखिए उसका चेंज हो गया बाद में उसका स्टोन रूप जो है ब्रिक्स का है बाद में हमें एक देखिए रैलिंग भी दिखती है यहाँ पे ऊपर में देखिए एक रैलिंग टाइप का दिखता है हम देखेंगे एग्जैक्ट क्या है यानी काफी कुछ बदलाव आया और एक्चुअल आर्किटेक्चरल जो रूप है वो आर्किटेक्चर रूप यहाँ पे आना। अब हम देखते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट उपा है हम देखते हैं कि अशोका ने जब कलिंगा वार के बाद जो खुद का बदलाव किया था धम्मा जो है बुद्ध धम्मा अपना जो है अडॉप्ट किया था और काफ़ी कुछ जो है इसके ऊपर वर्क किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हर दिशाओं में सारे जो है भारत भर जो है अपने शिष्य भेजा बुद्धा का बुद्धा के धम्म का प्रचार और प्रचार करने के लिए तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अशोका ने और एक इंपॉर्टेंट काम किया जो मार्वलस रूप चेंज होते गया तो अशोका ने बुद्धा के परिनिर्वाण के बाद जो आठ जो स्तूप बने थे आठ है ना जो रेलिक्स के आधार पर वो आठ स्तूपों को बुद्धा ने रिओपन करने का ऑर्डर दे दिया ओपन करो भैया सब वहां का रेलिक निकालो एंड ही ऑर्डर टू डिवाइड दिस relic फ्रॉम एट प्लेसेस इनटू एट्टी फोर थाउजेंड यानी उसका एट्टी फोर थाउजेंड में डिवीज़न करो और एट्टी फोर थाउजेंड जगह पूरे इंडिया और उसके बाहर में भी बुद्धिस्तूपा बनाओ सो so वॉट वट इट रिफ्लेक्ट दैट आफ्टर दशोकन दिस ऑर्डर टू मेक अ बुद्धिस्टा न बुद्धिस्टा एज अ सिम्बॉल ऑफ इंडियन कल्चर अ सिम्बॉल ऑफ अ बुद्धिस्ट कल्चर इम्प्रिंटिंग ऑट पान एशिया लेवल तो उसी वक्त से जो है इंडियन कल्चर इंटरनेशनलाइज हो गया था और इसी वजह से हमें अशोका जो है अशोका का कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में और इंडिया की जो भी पूरी धरोहर है उसमें अनबिलेबल लेवल पर अशोका का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है बट दी स्तूपा मेड बाय अशोका वेयर ऑफ अ हम्बल ओरिजिन वेयर ऑफ अ हम्बल आर्किटेक्चर विदाउट एनी आर्किटेक्चरल डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं रहते थे एक कॉमन टीला रहता था इन जनरल ब्रिक्स का होता था ब्रिक्स सा होता था और साथ में प्लास्टर भी किया जाता था है ना तो हमें यह देखने को मिलता है कि अशोका के वक्त वो स्तूपा की इन जनरल शुरुआत हुई लेकिन ऐसा नहीं अशोका के पहले भी स्तूपा बने जैसे अजय शत्रु ने भी बनाया पहले के लोगों ने बनाया बुद्धा जब थे तब भी जीवित उनके जो अनुयायी वगैरह अनंत लेवल पर जाते थे उनका भी स्तूपा बनाया गया तो स्तूपा की जो ये ट्रेडिशन है वो पहले से था लेकिन अशोका ने उसका जो है आर्किटेक्चरल रूप दिया और साथ में उसको एक एस्टेब्लिश कल्चर बना दिया टू मेक अ स्तूपा ऐसा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे है अशोका के बाद तो अशोका के जो वंशज है आगे के जो है उन्होंने कुछ वर्क नहीं किया दे हैव नॉट एनी इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कोई इन जनरल बनाए नहीं थोड़ा बार बार स्तूपा जो बार बार केवज़ है वो बार बार केवज़ में बुद्धा के जो है बुद्धिस्ट के उस कुछ बने है और उसमें कुछ देखने को मिलता है कि भाई उसका जो ये था थाज अः जो था अपना यानी नातू जिसको कहते हैं नाती उसने कुछ काम किया था लेकिन ऐसा कुछ अशोका के वक्त अशोका के बाद कोई वर्क नहीं हुआ अशोका का जो डिनेस्टी है दैट इज मॉर्न डिनेस्टी हैड बिंग शुंगा डिनेस्टी शुंगा ऐसे कहते हैं कि दे वे आर बींग एंटी बुद्धिस्ट ऐसे कहते हैं कि एट्टी फोर थाउजेंड जो थे स्तुपाज uh, उनको खत्म कर दिया गया शुंगा ने ऑर्डर दिया एक तरह से ऐसा दिखता है कि शुंगा माइड बी एंटी बुद्धिस्ट लेकिन उसी वक्त हमें ऐसा देखने को मिलता है कि शुंगा के वक्त और साथ में साउथ में इश्क्वाश जो है उनके वक्त जो है ये दोनों शुंगा ये ब्राह्मीण थे इश्वाकुश भी वैदिक रिचुअल्स को मानते थे कार्तिकिया था गॉड था अब ऐसे इसमें भी हमें ऐसे ये दोनों के फेज में सांची भरूत अमरावती ये दो जो है दो तीन जगह यहाँ पे स्तूपा का एनलार्जमेंट होते हुए देखा एक्सपांशन होते हुए हमें ध्यान में आया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आ, दे वे आर टिपिकली कॉल्ड एज बुद्धिस्ट या फिर ऐसा हम कह नहीं सकते कि भाई देवेर चिविनिस्ट और एथनोसेंट्रिस्ट या ऐसा कुछ था नहीं कम्युनलिज्म का कोई ऐसा इशू नहीं था चलो मान लेते हैं कि शुंगा माइड बी एंटी बुद्धिस्ट फिर भी उस वक्त इसका एनलार्जमेंट हुआ तो कुछ सम वेयर बिंग कंसीडर दैट कि उस वक्त जो नागाज होते मानलिक जो शुंगा के अगल बगल के छोटे राजा दे टू नागा किंग्स वे आर बिंग पार्टिसिपेटेड महाबोधि विहार का भी उन्होंने कुछ uh, जो है रिनोवेशन वगैरह किया था तो फिर भी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि इस वक्त कुछ डेवलपमेंट हो गया था uh, क्या डेवलपमेंट हो गया था तो हमें ऐसे देखने को मिलता है ब्रिक्स वगैरह के जगह अभी स्टोन का यूज भी होना शुरू हुआ था सांची का भी जो बाहर का जो है कॉल्ड एज अ रैलिंग आउटर रैलिंग वो स्टोन की बनाई तो ये जो है शुंगा के वक्त ही है ना उसके बाद देखते हैं कुशाना कुशाना जो थे दे फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो है कुशाना डिनास्टी का जो किंग था कनिश्का उसके वक्त हो गई थी तो कुशाना का, का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है कुशाना ने काफी रोल परफॉर्म किए कुशाना में डिनास्टी में दो राजा थे एक कनिश्क और दूसरा हुविश का ये दोनों राजाओं ने बहुत सारे स्तूप बनाए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे uh, काफ़ी रेफरेंसेस है युवांग सेंग जो है वो भी घूमने गए थे तो वो भी काफ़ी रेफरेंसेस देते हैं बट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्तुपाज मेड बाय द अशोका एंड आफ्टर अशोका इन इंडिया एंड द स्तूपाज मेड बाय द कुशानाज सो स्तुपाज मेड बाय कुशानाज वे आर लार्जली नॉट बींग एनसर्कलिंग एंड एनक्लोजिंग द रिल्स ऑफ बुद्धा बट दे पुट द स्क्रिप्चर्स कॉल्ड एज अ विभा विभा ग्रंथ जो है पवित्र ग्रंथ ये रख के उसके ऊपर स्तूपा बनाया था है ना फोर्थ बुद्धिस्ट कौन से हुई थी उसके बाद ये जो है पवित्र ग्रंथ तैयार हो गया विभसास मींस अमेंटरी सर्वष्टीवादा सर्वष्टीवादा की जो कॉमेंट्री है उसको विभासास ऐसे कहते हैं तो कुशाना के वक्त देखिए ये आप माउंट भी देखते होंगे कुशाना के वक्त देखिए ये जो है अम्ब्रेला हम शुरुआत किए थे ना सी दिस इज अम्ब्रेला ये अम्ब्रेला का, काफी आ, बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल बनाया है काफी कुछ चेंजेस यहाँ पे आए हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन दिखते है नाइन थर्टीन ऐसे ये, ये सिर्फ प्रोटोटाइप है दिस इज द प्रोटोटाइप What, what we are seeing, this is the क्योंकि उस वक्त बनता था, अभी कुछ रहा नहीं सब जो है खत्म हो गया है लेकिन इसके तो देखिए कि कितने, कितने बारकाई से ये सब बनाया गया था मार्वलस बड़े बड़े स्तूपा बनाए गए थे अः गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड के वक्त भी एक नया मार्वल आया नया दौर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन में आर्किटेक्चर कल्चर में गुप्ता पीरियड वॉज कॉल्ड एज अ गोल्डन पीरियड इट वॉज एज कहा जाता था गुप्ता फेज के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कितनी प्यारी हम मूर्ति दिखते है बुद्धा की बड़ी प्यारी मूर्ति है है ना सो so, जो गुप्ता आर्ट में जो मथुरा का और गांधारा का कंट्रीब्यूशन है वो उस वक्त देखने को मिलता है इट वाज अ फर्स्ट टाइम दैट दुद्धि स्तूपा फिगर पहली बार हमें ह्यूमन फिगर हैं को मिलता है उसके पहले कोई ह्यूमन फिगर नहीं था बुद्धिज्म लेकिन बाद में जो है पहली बार ह्यूमन जो है जो है आकार पहली बार आना शुरू हो गया सो वॉट इट कनोट इट कनोट इट वॉज अट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉन आइकॉनिक सिम्बॉलिज्म आइकॉनिक कल्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पहली बार बुद्धा का जो है कल्चर जो है सिम्बॉलिक लेवल से नॉन सिम्बॉलिक नॉन आइकॉनिक लेवल से आइकॉनिक लेवल सिम्बॉल अलग तरह से प्रेजेंट हुआ मूर्ति जो है पहली बार हमें देखने को मिलता है स्टैचू एक मीरापुर खास स्तूपा उसमें काफी आर्चेस है ये नया मार्वल था धमिक्स तूपा का तो हमने बात कर चुके हैं कितना आर्टिकुलेट वे से जियोमेट्रिक और फ्लोरल फॉर्म बनाए थे सांची का मॉडिफिकेशन किया आ, बुद्धा जो है उसके स्टैचू सांची में रखे हर एक द्वार चार द्वार है सांची में चारों द्वार के एंट्री गेट पर बुद्धा के स्टैचूज देखने को मिलते हैं और महाबुद्धि टेम्पल को काफी टाइम जो है रिपेयर किया तो बुद्ध बुद्धिस्ट स्तूपा में जो है गुप्ता डिनास्टी का काफ़ी बड़ी छाप गिर गई है उन्होंने मूर्तिकला तो पहली बार ही लाई थी इसी वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हो गया था एक स्वरूप ही बदल गया था बुद्धिस्तूपा का और जो है एक जो बुद्धिस्तूपा में जो मूर्ति है ये तो मूर्तियों में बेहतरीन नमूना हमें देखने को मिलता है मार्वलस है मार्वलस कार्विंग हमें देखने को मिलती है दो तीन देखा उसका एक जस्ट ब्रीफ इवोल्यूशन देखेंगे एक डायग्रामेटिक वे से तो देखिए डायग्रामेटिक वे से हमें मोरेन टाइप में देखने को मिलता है ब्रिक्स और स्टोन का इन जनरल यूज होता था प्लास्टर होता था, था थोड़ा बहुत देखिए बड़ा सिंपल सा है कई कवरिंग नहीं कुछ नहीं ऊपर में थोड़ा सा दिखता है हमें है ना वही हम देखो तो शुंगा के वक्त देखो बाहर की सीढ़िया वगैरह तैयार हो गई है एलिवेशन हो गया यानी डोम कम हो गया और एलिवेशन आ गया ऊपर में भी ये देखिए छतरी जो है ये ध्यान में आती है ये देखिए छतरी ये छतरी तैयार हो गई अभी है ना और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन अभी बदल गया है ना यानी एलिवेशन आ गया ये बढ़ गया ऐसा एलिवेशन हो गया है ना और उसके बाद जो है कुशाना के वक्त तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए कुशाना के वक्त देखिए ये जो चबूतरा है ये चबूतरा भी काफ़ी एलिवेटेड हो गया एलिवेटेड के साथ साथ डेकोरेटिव भी हो गया और ये जो छतरी देखिए अम्ब्रेला इसका नाम हम देखेंगे आगे में क्या है देखिए बढ़ गई इसका एलिवेशन बढ़ गया है ना तो क्या देखने को मिलता है कि हर वक्त जो है बुद्धिस्ट स्तूपा जो है ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में रहा बुद्धिस्तपा का ट्रांसफॉर्मेशन जो था ये इंडियन कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन था इवोल्यूशन ऑफ़ द आर्किटेक्चर ऑफ अ इज नथिंग बट द इवोल्यूशन ऑफ़ इंडियन आर्किटेक्चर एंड इंडियन कल्चर तो इंडिया के कल्चर में जो बदलाव है इसकी छाप बाकी मंदिरों पर भी बाद में गिरी हुई हमें देखने को मिलती है देखिए बुद्धिस्तूपा का ये जो छाप है ये यहीं पे नहीं तो सारी दुनिया में जो है पर्टिकुलरली सदन आशिया एंड साउथ ईस्ट आशिया और ईस्ट आशिया साइड में देखने को मिलता है लेकिन हरेक जो कंट्रीज है उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसका जो है आर्किटेक्चर चेंजेस किए तो उसी वजह से अलग अलग नाम भी हमें देखने को मिलते हैं हर एक कल्चर अपना डिपिक करता है तो अलग नाम हो सकते एक ब्रीफली जस्ट फॉर नॉलेज हैविंग नथिंग ऐसा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं ये देखिए तो श्रीलंका में जो है उसको पैगोडा कहते हैं डैगोडा सॉरी डैगोडा कहते हैं चीन में पैगोड़ा कहते हैं है ना म्यांमार में झेडी कहते हैं झेडी म्यांमार में कहते हैं चाइना में देखो चीन में पैगोड़ा मैंने अभी बताया पैगोडा कहते हैं कोरिया में ताप कहते हैं और जापान में टो तो कहते हैं तो आप देखिए ये जो आर्किटेक्चरल चेंजेस है ये आर्किटेक्चरल चेंजेस वहाँ की जो नीड है वहाँ की जो रिसोर्सेस है वहाँ का जो क्लाइमेट है उसी आधार पर है है ना तो हर कोई जो कंट्रीज है हर कोई कम्युनिटी है अपना बुद्धि स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है अपने हिसाब से बनाया है है ना हम आगे देखते हैं कि ये बुद्धा का स्तूपा जो है इसका क्या महत्व है वॉट इज द इम्पोर्टेंस सी य मॉन्क इज सिटिंग इन द पोजिशन ऑफ अ डी है ना ध्यान लगा के बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ

it is being a symbol of religion and culture. it is also being a symbol of devotion, symbol of faith. it is also being considered as a point of spiritual gaining, attaining the psychological satisfaction. and it is being a symbol to stand for crusade against the ritualistic and cult image worship. जो हेटरोडॉक्स जो है हेट्रोडॉक्स का ये सिंबल है कि जो कर्मकांड है जो सेक्रीफाइसेस है और जिसके वजह से कॉमन मैन बर्बाद होता था वो सबसे परे जो है ये यानी स्तूपा ऐसा कहते हैं इसी वजह से स्तूपा जो है इट बिकमिंग कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इट इट इज बींग पॉइंट इट इज बींग प्लेस ऑफ इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल साल है ना ये सोशल कोइजन सोशल बाउंडेशन बिल्डअप करने का भी एक जो है प्रतीक माना जा सकता है क्लासिफिकेशन स्तूपा के क्लासिफिकेशन दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है पहले इसमें दो प्रकार देखेंगे और दूसरे इसमें तीन प्रकार देखेंगे पहले इसमें देखिए स्तूपा है ये धम्मिक स्तूपा हमने देखा है कहा है धमिक स्तूपा आपको मालूम है रिकॉल कीजिए कहा है धमिक स्तूपा है ना धमिक स्तूपा में जो है अलग अलग इस पर जो है आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ तो यहाँ पे हमें दो आधार देखने को मिलते हैं और इसलिए दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं एक आधार लिया गया है वो है तीर्थ स्थान तीर्थ स्थान और दूसरा आधार लिया गया है एज अ स्टडी प्लेस तो दो प्लेसेस है इसी वजह से दो आधार है और दो क्लासिफिकेशन पहला है पिलग्रिमेज स्तूपा और दूसरा है मोनेस्टिक स्तूपा पिलग्रेमेज स्तूपा मीन्स वे आर गोइंग देयर फॉर फॉर यू पर्पज एक कई तीर्थस्थान में जाने का कुछ सालवेशन के लिए कुछ शांति पाने के लिए वैसा और मोनेस्टिक कुछ मॉन्ग्स के वर्ग के लिए एक मठ के वक्त काम करता है एक संघ को संभालने का काम करता है पिलग्रेमेज स्तूपा जो है इसका अर्लिएस्ट एविडेंस जो है ये अर्लीस्ट इविडेंस हमें फोर्थ सेंचुरी बीसी में मिलता है और मोनेस्टिक का जो है वो सेकंड सेंचुरी बीसी को मिलता है यानी पहला जो है वो पिलग्रिमे स्तूपा डेवलप हो गए और बाद में मोनेस्टिक स्तूपा डेवलप होते तो हुए दिखे ये जो है स्तूपा ये मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स के बाहर में रहता है बुद्धा के कोई खास प्लेसेस है जहाँ पे उनके जीवन से निगड़ित तो वहां उस टाइप के लेकिन जो मोनेस्टिक स्तूपा रह गया है उसके कॉम्प्लेक्स तैयार होता है और वो कॉम्प्लेक्स में विहारा चैत्या जो है और स्तूपा ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है है ना यहाँ पे पिलग्रिमे स्तूपा का कोई मटेरियल एविडेंस नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे मटेरियल एविडेंस मिलता है है ना ये जो है उल्टी पर्पज अपने तीर्थ स्थान के लिए यूज किया जाता है ये जो है सिर्फ मॉन्ग के वर्ग के लिए होता है दूसरा थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है इसमें तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन है देखिए तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं ये ये भी एक स्तूपा है हमने देख लिया है कौन सा स्तूपा है बताइए याद कीजिए जस्ट रिकॉल एंड वेयर इट इज बीइंग लोकेटेड मैं बताऊंगा नहीं पहले हो चुका है देखिए थ्री फोल्ड है यहाँ पे थ्री क्लासिफिकेशन पहला है इट्स कॉल्ड एज अ शर्रा का स्तूपा दूसरा है परिभोगी स्तूपा और तीसरा है उद्देश्य स्तूपा शरीर का स्तूपा यानी बुद्धा के जो अवशेष है और बुद्धा के क्रिमिशन के बाद जो अवशेष थे यानी शरीर का भाग इसी वजह से इसको कहते हैं शरीरा का और परिभोगी का यानी बुद्धा के जो टूल्स थे जैसे भिक्षा पात्र है चलने की लट थी क्योंकि बुद्धा एट द एज ऑफ एटी गुजर गए थे तो आखिरी वक्त लट यूज करते होंगे लकड़ी मजबूत लकड़ी वो जो है या बाकी जो है उनके चीवर वगैरह जो भी है वो परिभोगिका यानी उपभोग लेने के लिए जो उनको उपभोग लेने के लिए जो चीज़ें थी वो चीज़ों पर जो स्तूपा बनाया गया वो परिभोगिका और जो उद्देशिका है यह उद्देशिका है कोई एम से लेके प्रवचन से बुद्धा के प्रवचन से लेके रिलेटेड जो है वो कॉन्टेक्स्ट में बताया गया इसके अलावा ये तीनों के अलावा महायाना परंपरा में और एक स्तूपा का वर्गीकरण है वन क्लासिफिकेशन है ना वो रिलेटेड है देर इज नो नॉन बट इट रिलेटेड विद द मैटर डील्स विद द बुद्धास प्रायर टू गौतम यानी बुद्धा के पहले कुछ बुद्धा हुए थे जातका में बताया गया उससे रिलेटेड जो भी प्लेसेस बने हैं और वहां पे जो स्तूपा बने हैं उसको एक और क्लासिफिकेशन महायाना परंपरा में देखने को मिलता है है ना देखिए कैसा है आ, शर्रा का जो है it's actually, आ, ले है है परिभोगी का जो है एक स्पेशल कैटेगरी ऑब्जेक्ट सुपा है और उद्देश्य का जो है ये सिंबल है कोई सेक्रेट सिंबल जो होता है उससे रिलेटेड वो मैटर स्पा बनाया गया है ये जो है आ, बुद्धा के जो रिमेन्स अवशेष या साथ में सिर्फ बुद्धा ही नहीं तो जो उनके अनुयायी थे जो अरहंत प्राप्ति करते थे अटेनमेंट ऑफ अ निर्वाणा और निर्वाणा के बाद जो डेथ होती थी उनके लिए भी स्तूपा बनाया गया है और उसको शर्रा का स्तूपा बोलते हैं जैसे आनंदा का भी बनाया गया है सारीपुत्ता का भी बनाया गया है सारी पुत्ता का, सारी पुत्ता का हमने मुगला नायन सारीपुत्ता जो है वो सांची में देखने को मिलता है है ना तो ये इट्स अ सिंबल ऑफ निर्वाणा ये जो है शर्रा का स्तूपा इस कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ निर्वाणा और ये जो है परिभोगी का जो है जैसे देखिए बेगिंग बॉल है भिक्षापात्र रोप है है ना वॉकिंग स्टाफ यानी लठ जो थी लकड़ी वो जो है वो वाला इसमें परिभोगी का और यहाँ पे साइड्स विच प्लेड इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ शाक्य मुनी मीन्स बुद्धा बुद्धा के लाइफ में रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वहां पे स्तूपा बनाया गया है जैसे से एग्जाम्पल बुद्धा सारनाथ गए होंगे सारनाथ में स्तूपा बनाया है तो उसी से उद्देशिका स्तूपा हमें देखने को मिलता है जैसे धमे का स्तूपा यह उद्देश्य हम बोल सकते हैं उद्देश्य स्तूपा चलिए देखते हैं स्तूपा जो है स्तूपा की रचना हम देखते हैं इंपॉर्टेंट स्तूपा एग्जैक्ट क्या है स्तूपा की रचना हम देखते हैं एक टिपिकल स्तूपा के अपना एक स्ट्रक्चरल फिक्स स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है ये देखिए पहला हमने देखा है नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें एक फाउंडेशन है ये जो है ये ये रैलिंग है रैलिंग के अंदर यदि हम देखेंगे ये तो फाउंडेशन है यानी ये पकड़ लो फाउंडेशन है ये एरिया पूरा फाउंडेशन है फाउंडेशन के ऊपर जो है ये पहला बाहर से लेके यानी पेरी फेरी से लेके सेंटर तक हम जा जाएंगे यदि उस तुफा के तो हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे ये वेदिका एक नाम है क्या है देखेंगे हम वेदिका ये जो एरिया है ये रैलिंग वेदिका और ये देखिए ये गेट है देखिए एंट्री गेट है यहाँ से हम जाएंगे है ना ये दो पिलर्स दिख रहे हैं ये दो पिलर्स इसको कहते हैं तोरना है ना ये तोरना हो गया ये दो हमने नाम देख लिए इसके बाद हम नाम देखते हैं मेधी देखिए बुद्धा का स्तूप जो है ऊपर जा रहा है मेधी है ना मेधी देखिए ये जो है ये जो है रैलिंग दिख रही है रैलिंग ये रैलिंग और ये प्लेस दिख रहा है, है ना डोम इसके बीच में एक मार्ग होता है कॉल एज अ मेथी आगे देखेंगे एग्जैक्ट क्या है तो बाद में उसके ऊपर दिख रहा है ये डोम दिख रहा है डोम दिख रहा है डोम ये होल डोम ये देखिए ये डोम ये डोम इज कॉल्ड एज अंडा डोम को अंडा कहते हैं है ना और उसके ऊपर सबसे ऊपर ये देखिए सबसे ऊपर हमें ये देखने को मिलता है नाम क्या है हर्मिका यूपाया छत्रा है ना ये जो है ये हर्मिका हो गया ये स्टैंड जो है ये यूपा हो गया और ये अम्ब्रेला टाइप के ये दिख रहे हैं डिक्स दिख रहे हैं ये डिक्स हो गया छत्रा है ना तो इस टाइप का जो है ये स्तूपा देखने को मिलता है अब खास बात ऐसा है कि ऑल दीज पार्ट्स हैव इट्स ओन अ फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स कुछ फिलोसॉफिकल एलिमेंट है जैसे बेस है बेस इज कॉल्ड एज अर्थ बेस फाउंडेशन हमने देखा अर्थ जो है हेमिस्पेरिकल जो डोम है ये डोम दिख रहा है इट्स कॉल्ड एज अ वाटर ऊपर में जो यूपा है कॉल्ड एज इस फायर अपर लोटस ऊपर में अपर लोटस पार्टस है ऊपर में दिख रहा है और क्रिसेंट कोनिकल जो मून टाइप का इस कॉलेज एयर डिजोल्विंग पॉइंट है यानी हम यदि करवाचर को देखते हैं तो डिजोल्विंग पॉइंट है हम यदि सन का परिभ्रमण देखेंगे तो बराबर उस टाइप का दिखता है इट्स कॉल्ड एज कॉलेज विजडम स्पेस यानी ये जो ये जो एलिमेंट है यहां से लेके इस टाइप का ऐसा ऐसा करवेचर कंप्लीट इट्स कॉल्ड एज अ विजडम ओके चलिए आगे देखते हैं बेस ऑफ स्तूपा पहले हम देखते हैं बेस ऑफ स्तूपा ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं बेस ऑफ स्तूपा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्रम है ना इसको ड्रम भी कहते हैं ये जो होता है अलग अलग आकार का हो सकता है पहले हम देख लेते हैं किस टाइप से है देखिए तीनों उदयगिरी का है नागार्जुन का है संगोल का स्तूपा है देखिए तीनों का बेस देखिए कैसा है, है. पहले इसमें देखिए कुछ स्क्वेयर दिख रहा है है ना? पहले इसमें कुछ स्क्वेयर है ये स्क्वेयर है यहाँ पे देखो ये सर्कुलर सर्कुलर टाइप का है स्पाइक भी है कुछ यहाँ पे स्पाइक क्लियर कर दिख रहा है दिख रही क्लियर कर ये देखो एन एक्सटेंडेड स्पाइक है डबल डबल इसमें है ना तो चलो देखते हैं क्या है तो ये सॉलिड फाउंडेशन रहता था एलिवेटेड कभी कभी रहता था और एलिवेटेड इस पर स्तूपा बिल्डअप होता था कॉल्ड एज अ बेस इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्रम टाइप्स है हमें तीन टाइप्स इन जनरल दिखते हैं स्क्वेयर सर्कुलर और व्हील शेप जो स्क्वेयर है उदयगिरी में देखने को मिलता है सर्कुलर सांची में व्हील शेप जो है नागार्जुन कोंडा घटसाला अलूर सांगोल यहाँ पे देखने को मिलता है साथ में हब है स्पोक है रिम है ये देखो है ना ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे डोम वट इज डोम। देखिए डोम यहाँ पे दिखते हैं। स्टोन का दिख रहा है यहाँ पे है ना स्टोन का है ये आफ्टर अशोका है स्टोन का है क्योंकि अशोका के वक्त ब्रिक्स का बनता था देखिए इसे अंडा कहते हैं वर्ड इज अंडा अंडो भी बोलते हैं इसको गर्भा भी बोलते हैं पहले ये हाफ मून रहता था हाफ सर्कल रहता था ब्रिक्स से बनाया था शुंगा के वक्त ये हेमिसपेरिकल हो गया और स्टोन यूज होना शुरू हो गया गुप्ता के वक्त इसका जो मेधि पार्ट है ये जो पोर्शन है ये बड़ा उठ गया और ये जो अंडा जो है ये काफी कर्वेचर हो गया काफी बल्ज जो है वो बल्ज हो गया है ना बल्जी ऐसा फूक गया वो है ना इवॉल्व हो गया है ना? ये जो अंडा है ये जो देखने को मिलता है इट्स है ना दिस अंडा इज बींग लिंक्ड सिम्बॉलिक टू द कॉस्मिक उम यानी कॉस्मिक उम देखो हम फिलोसॉफिकल देखते हैं विद्या में भी हमने फिलोसॉफी थोड़ी देखी थी तो ये कॉस्मिक उम um के टाइप का सिंबल माना जाता है देखिए ये जो डोम है इसके अंदर रहता है रिलिक्स बुद्धा के अवशेष रहेंगे या स्क्रिप्चर हमने देखा कनिष्का का के इसमें या फिर बुद्धा के जो है परिभोगी का कुछ टूल्स है ये चीजें रहती है तो ये रिलिक्स जो है ये बिल्कुल डोम में ये जो डोम है डोम के अंदर जो है ये देखिए रेलिक ये रेलिक जो है ये बड़ा प्रीशियस स्टोन से भी बनाया जाता था प्रीशियस स्टोन प्रीशियस मेटल बिल्कुल कभी स्तूपा के आकार का भी यहाँ पे देखिए हम रेलिक्स देखने को देख सकते हैं ये देखो स्तूपा के आकार का देखने को मिलता है ये जो है सेंटर में रखा जाता था डोम के सेंटर में रखा रखा जाता था जरूरी नहीं है कि सभी स्तूपा में सेंटर में रखा जाता था जैसे नागार्जुन में पता चला कि वो फार अवे फ्रॉम द सेंटर था यानी वो नागार्जुन में साउथ सिक्स जो था सिक्स टाइप्स के थे और सिक्स टाइप्स के अलग अलग जगह थे वहां चले रख दिए थे यानी फार अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर में इन्होंने नहीं रखा था यानी जरूरी नहीं कि वो सेंटर में रहे ये जो तीसरा है वेदिका है ना रेलिक जो है ये स्पिरिचुअल एलिमेंट है रेलिक जो का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी था रेलिक को जो था रेलिक में बुद्धा के अवशेष थे तो बुद्धा के अवशेष को एक प्राण सम्मदा भी कहा जाता था हम देखेंगे अभी वेदिका वेदिका क्या है तो एक फेंसिंग है एक टाइप का फेंसिंग है वेदिका है देखिए फेंसिंग पहले लकड़ी का बनता था बाद में वो स्टोन का बनना शुरू हो गया ये डिमार्केट ये आउटर इनर डिमार्केशन करता है एक एक घर को जैसे फेंसिंग रहता है प्रोटेक्शन के लिए उस टाइप का ही है बट इट हैव इट्स ओन सिंबोलिक एलिमेंट सिम्बॉलिक एलिमेंट ये है कि इट डिवाइड द वर्ल्ड टू वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ प्रोफेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सेक्रेट एक पवित्र विश्व पवित्र दुनिया और एक जो है आम दुनिया ऐसी अलग हो जाती स्तूपा के बाहर की यानी ये रैलिंग के बाहर की जो है ये आम दुनिया प्रोफेन वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वर्ल्ड फुल ऑफ वेरियस पॉल्यूशंस बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं वर्ल्डली जो है भौतिक जो पार्ट होता है उससे भरे हुए रहते हैं एवरी ह्यूमन बींग वॉन्टेड टू सॉल्वेज वो चाहता है कि वो जो सैक्रेड है उसके पास मैं जाऊं लेकिन ये जो वेदिका है इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ द डिविजन ये डिविजन बनाता है ये क्लियर करता है प्रोफेन और सैक्रेड इसको डिवाइड कर देता है तो ये जो है ये डिविजन जो है ये परमानेंट डिविजन नहीं है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेदिका वेदिका इज नॉट अ कंटिन्यूस एन सर्कल टू द स्तूपा इट इज बीइंग फोर सेंटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ये ये है. है, है ना ये हो गया नॉर्थ यह हो गया इधर साउथ देखिए हम डिविजन देखते है ये जो है दैट इज कॉल्ड एज अ गेट वे तोरना हमने पहले देखा था तोरना सो इट इज एंट्री पॉइंट

वेदिका का एक स्ट्रक्चर पार्ट्स एक ब्रीफली है ना ये देखिए ये यहाँ पे देखते हैं हम है ना यहाँ पे पार्ट दिखता है एक दिखता है ये एक दिखता है और ये देखो बीच बीच में है है ना फेंसिंग टाइप का दिखता है तो चलो देखते हैं क्या है ये तो पहला जो है स्तंभ खड़ा है ये स्तंभ उसके बाद है ये आड़ा जो है सूची और सबसे ऊपर जो है है ना कोपिंग स्टोन बोलते हैं करते हैं, है ना तो तीन नाम है नाम रहने चाहिए ध्यान में इसी वजह से बताया अब ये जो रैलिंग है यानी वेदिका ये स्तूपा को अलग करते हैं, लेकिन स्तूपा को लग के नहीं है एकदम कॉम्पैक्ट नहीं है स्तूपा के बीच में गैप जो है वो गैप रखती है ये देखिए ये ये है वेदिका और ये वेदिका और ये स्तूपा है ना एक टाइप में ये वेदिका दिखती है और ये स्तूपा का पोर्शन दिखता है ये जो स्पेस है ये दिस स्पेस दिस स्पेस, स्पेस इज कॉल्ड एज अ पद वेदिका है ना ये पद वेदिका का काफी इम्पोर्टेंस है सो so, पद वेदिका इज नथिंग बट द सर्कम्बा पैसेज प्रदक्षिणा मारने का मार्ग एक जो डिवोटी होता है वो डिवोटी पूरे स्तूपा को प्रदक्षिणा मारना चाहता है वो सैक्रेड के नजदीक रहना चाहता है सैक्रेड की स्पिरिचुअल एनरिचमेंट फील करना चाहता है ये फीलिंग के लिए जो पैसेज रखा है दैट पैसेज इज कॉल्ड एज अ पद वेदिका प्रदक्षिणा बड़ा इंपॉर्टेंट रिचुअल है हिंदू संस्कृति में भी है वैसे ही बुद्धि संस्कृति में है इट इन्वॉल्व द फिजिकल एंगेजमेंट विद द स्तूपा इन जनरल हाउ द द राइट्स आर परफॉर्मिंग बाय एंटरिंग स्तूपा थ्रू गेट्स फ्रॉम द ईस्ट साइड ईस्ट गेट से एंट्री होती है और क्लॉकवाइज वॉक होती है और क्लॉकवाइज वॉक इसलिए होती है कि डिपिक्ट होल पाथ ऑफ सन ड एज अ ट्रांजिडेंट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स विश्व का एक केंद्र है ऐसा समझा जाता है और इसी वजह से प्रदक्षिणा का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कॉल्ड एज मेधी हमने प्रदक्षिणा एक अभी देख लिया है पदवेदी का मेधी भी एक पाथ है, है ना लेकिन मेधी जो पाथ है ये ऊपर का पोर्शन है ये देखिए हमने ये प्रदक्षिणा का ये एरिया देखा ये पहला का इसके ऊपर ये एक रैलिंग है है ये रेलिंग? ये रेलिंग के अंदर ये जो है इसमें अंदर पैसेज दिखता है दैट पैसेज इज कॉल्ड एज अ मेधी ये देखिए अंदर में जो पैसेज है इस कॉल्ड एज अज से प्रोटेक्टेड बाय दिस से प्रोटेक्ट करते हैं इट इज ना? वहां पे हम कमल फूल जो है वो रखने का प्लेस भी वहाँ पे होता है पेडेस्ट्रेन पाथ होता है ये जो है इट ऑलवेज बिंग एट द एलिवेटेड लेवल एलिवेटेड लेवल पर होता है और ये एलिवेटेड लेवल पर होने की वजह से यहाँ पे पहुंचने के लिए एक सीढ़ियों की जरूरत होती है, है ना ये देखिए यहाँ पे दिव्या दिव्य दाना और पुष्पदाना यह है वो किया जाता है यानी फ्लावर्स रखे जाते हैं फ्लावर्स प्रदक्षिणा पात में नहीं रखे जाते हैं यानी वेद पातिका वहां पे पद वेदिका में नहीं पद वेदिका के जगह होता नहीं है तो ये मेधी के जगह होता है है ना ये जो है ऊपर सीडिया दिख रही है, होती है दिस सीडिया जो इज कॉल्ड एज अ सोपामा दिस स्टेर केस ऑलवेज बिंग डबल स्टेयर केस डबल स्टेयर केस है इधर से भी है और इधर से भी है है ना तो डबल स्टेयर केस होती है ये डबल स्टेयर केस कहा लेके जाती है ये देखिए सीढ़िया इस तुपा को लक्ष्य है है ना तो ये सीढ़िया ऊपर लेके जाती है ये एलिवेशन पूरा एलिवेशन जो है वो लेके जाके मेधी के पास लेके जाती है यानी इट इज कॉल्ड एज अ रैलिंग टूवर्ड्स द मेधी मेधी तक पहुंचने का ये मार्ग होता है हर्मिका सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर जो है हर्मिका जो है ये देखिए ये ये स्क्वायर वाला पार्ट है जो जो है है टाइप टाइप का का ये रैलिंग का जो पार्ट इट्स कॉल्ड एज अ हर्मिका तो ये जो हर्मिका होता है क्या है तो इट नथिंग बट द अपर पार्ट ऑफ डोम इन जनरल स्क्वायर बालकनी स्क्वायर रहती है एनक्लोजिंग इंक्लूजिंग देडिस्टल

एंड ऑल दिस थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ छत्रावली देखिए बीच का जो पार्ट है इसे हम छत्रावली कलेक्टिवली कहते हैं छत्रावली इसमें नीचे का जो पार्ट है उसे हम यूपा कहते हैं ऊपर का जो पार्ट है जो स्टैंड है उसको यास्ती कहते हैं और जो डिक्स है उसको छत्रा कहते हैं तो ये जो तीनों पार्ट मिलके जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ छत्रावली है ना छत्रावली जो है इसका इंपॉर्टेंस है सिंबॉलिक लेवल पर इट इज बिंग बिलीव दैट इट इज बिटवीन द ह्यूमन टू दिवाइन वर्ल्ड के तरफ लेके जाता है वह है, है है। है, लिखते हैं कि उन्होंने कुछ कॉपर के छत्रा देखे थे और कुछ कॉपर के छत्रा इतने बड़े बड़े थे कि जो डिक्स है नौ से तेरह डिक्स रहती थी यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा छाता रहता होगा है ना लेकिन जो है अर्ली स्तूपा जो बने हैं अर्ली स्तूपा में जो छाता रहता था वो बहुत बार लकड़े का रहता था और लकड़े का रहने की वजह से वो कुछ ज्यादा दिन टिकाने होंगे लेकिन फिर भी आज भी हमें कार्ले की जो केव्स है कारले के केव्स में ये जो है देखने को मिलता है ये अवेलेबल आज भी है वहां पे लेते हैं लास्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ तोरना देखिए तोरना ब्यूटीफुल गेटवेज ब्यूटीफुल मार्वल देखिए कितना कार्विंग क्या है जबरदस्त कार्विंग क्या है दो अलग अलग गेट है एक स्तूपा वन स्तूपा टू सांची के दोनों गेट देखिए अलग अलग टाइप के मार्वल्स आ, मार्वलस आर्किटेक्चर देखने को मिलता है एनिमल्स है लॉयंस है एलिफेंट्स है ह्यूमन फिगर भी है यक्षनी है है ना हाथी हाथी के ये है चक्र है अशोक चक्रा ये भी देखने को मिलते हैं ऐसा भी कह, कहा जाता है कि ये जो पिलर्स है इसमें बुद्धा की जो स्टोरीज है लाइफ यानी रेनसिएशन से लेके निर्वाणा वगैरह बर्थ जो ये सब डिपिक किया गया है दैट मीन्स इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ लाइव म्यूजियम एक लाइव म्यूजियम के साथ जैसा ही ये जो गेट गेटवेज जो है ये गेटवेज वर्क करते हैं दिस गेटवेज आर बींग सैक्रेट और होनोरफिक गेटवे यानी यहाँ पे सैक्रेट स में जाने की जो है एंट्री मिलती है इट्स अ वे टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रोफेम और मटरिस्टिक वर्ल्ड टू द सेक्रेट स्पिरचुअल वर्ल्ड इज द सेल्फ एनलाइटनमेंट देखिए बुद्धा का यह जो बुद्धिस्तूपा है सी हाउ इट इज बिंग अफ्रोडॉक्सी हाउ इट इज बिंग अगेंस्ट द डोगेटिजम रिचुअलिज्म यहाँ पे वेदी का दो पार्ट करता है सैक्रेड और प्रोफेन सैक्रेड यानी स्तूपा और प्रोफेन यानी बाहर की दुनिया लेकिन बाहर की दुनिया में सैक्रेड तक टच करने का मार्ग अपने आप खुलता है कोई मीडिएटर नहीं है अपने आप मार्ग है सिर्फ इंसान जो ह्यूमन बींग उसने यकीन रख के खुद होके चलते जाना है यानी सेल्फ एनलाइटन होना है देर इज नो मीडिएटर तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि भाई स्तूपा इज द सिंबल ऑफ एट्रोडॉक्स स्तूपा इज द सिंबल अगेंस्ट द डोगेटिकर्ड अगेंस्ट ऑल रिचुअलिज्म ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स एंशियंट टाइम में जो होता था वो हमें यहाँ पे पूरा कोलेप्स होते देखता है फिर देखेंगे लाट पिलर्स लाटपिलर्स पिलर्स सिर्फ सांची में कुछ देखे मिलते हैं बाकी जगह ऐसे देखने को मिलते नहीं ये जो है जस्ट तोरना के बगल में है तोड़ना जो है द्वार के बगल में है अलग अलग सिंबल है वहां पे व्यान तीन टाइप के डिपिक करता है पिलर्स वो कहता है कि एक पिलर पर जो है बुद्धा के डेथ के सर्कमस्टांसिस निकाले गए हैं दूसरे इस पर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं और तीसरा इतना पॉलिश है इतना क्लीन किया है कि उसमें बुद्धा की शैडो दिखती है खैर आज भी तो दिखता नहीं लेकिन ये जो है टूटे अवशेष हमें दिखने को मिलते हैं तो उस वक्त शायद हो सकते हैं डेफिनेटली है ना तो इस ढंग से हमने क्या देखा है अभी तक पूरा पूरा स्ट्रक्चर एक तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी देख लिया हमने और साथ में स्ट्रक्चरल पार्ट का ये जो है क्लासिफिकेशन आर्किटेक्चरल एक्सप्लेनेशन और साथ में फिलोसॉफी ये हमने देख ली है है ना हम देखेंगे उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते इन जनरल तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं प्रिलिम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है तो एक प्रीलिम का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलिक्स बिलोंग्स टू प्रिय अशोकन पीरियड प्रिय अशोकन पीरियड कौन सा हो सकता है सारनाथ वैशाली भरुत और सांची है ना तीन चार नाम दिया है चार नाम पर एक अभी तक जो वीडियो बताया उसमें आंसर है उसका हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा आ सकता है वट आर विभाषा विभाषा क्या है तो पहला है कॉमेंटरीज ऑफ महापरिनिर्वाणा सुत्ता अ टेक्स्ट ऑफ मध्यमिका फिलोसॉफी कॉमेंटरीज ऑफ सर्वस्ती वादा जात स्टोरीज आंसर आप में आपको तुरंत मिला हूंगा क्योंकि आपने यकीनन वीडियो अच्छे से सुना देखा होगा अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर मिला हूंगा लेकिन क्वेश्चन कैसे आते देखिए यानी हमें जब पढ़ते हैं तो किस ढंग से पढ़ना है पढ़ने का हमारा जो रुख है कैसा होना चाहिए इसी वजह से क्वेश्चंस आपको दिए क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा मल्टीपल इसमें है क्वेश्चन देखिए अरेंज द फॉलोइंग मोनोपेंटल पार्ट ऑफ स्तुपाटरी टू सेंटर ऑफ द प्लान का प्लान से से लेके सेंटर तक तो अरेंज किया हर्मिका वेदिका और अंडा इसको हमें अरेंज करना है बाहर से लेके अंदर तक है ना कोड दिए है तीन एक चार दोन तीन एक तीन चार दोन दो तीन चार एक तीन चार एक दो आपने जो स्ट्रक्चर है अभी मैंने जो समझा के बताया एकदम स्टेप वाइज बाहर से लेके अंदर तक मैंने समझा के बताया तो इसका आंसर आपको मालूम होगा इजी आंसर है अभी हम मेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं एक दो तीन क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन प्लेन क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ अ टिपिकल पोस्ट अशोका स्तूपा वर्ड है पोस्ट अशोका स्तूपा तो हमें क्लियर कट लिखना है कि पोस्ट अशोका अशोका के बाद में स्तूपा के क्या आर्किटेक्चर्स थे अशोका के वक्ने ध्यान में रहे है ना तो ये प्रिसीशन आंसर में आना चाहिए दूसरा इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा डिपिक्स पॉलिटिको कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक्सप्लेन विथेबल यानी पूरा का पूरा जो है प्री अशोका से लेके तो बाद में शुंगा है ना इश्कवासूस बाद में सातवाना है ये ये सब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कैसे बदलता गया और बाद में उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस तीसरा यह है एक्सप्लेन द सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सरकमबुलेशन राइट प्रदक्षिणा इन बुद्धिस्तूपा बुद्धिस्तूपा में प्रदक्षिणा का क्या इंपॉर्टेंस है फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस क्या है मैंने समझा के बताया आपको तो एक ब्रीफ में आपको लिखना है वन फिफ्टी वर्ड्स में तो ये तीन क्वेश्चन आपको दिए गए मेन्स में आ सकते हैं प्रोबेबल इस टाइप के चलिए आई होप सो तुम्हें ये अच्छा लगा होगा वीडियो एक जो है एनालिसिस uh, और एक बेसिक फैक्ट्स जो है उसके साथ ये वीडियो बनाया है आई होप इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर एनरिचमेंट इन द स्टडी सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट शब्बा खैर बाय